हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमित शर्मा। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन RPIT करनाल। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस डिफेक्ट्स इन आईज। सो फर्स्ट इज़ मायोपिया, मतलब निकट दृष्टि रोग, नियर साइटनेस। मायोपिया के केस में क्या होता है कि हमें दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, बिकॉज़ जो लाइट का फोकस है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो लाइट मायोपिया के केस में क्या होता है कि लाइट फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज कब बनती है? इमेज की फॉर्मेशन होती है व्हेन जब जो लाइट की फोकस है, जो लाइट फोकस है वो रेटिना पे हो। बट मायोपिया के केस में क्या हो रहा है कि जो लाइट है वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है, रेटिना के फ्रंट में फोकस हो जाती है। इस वजह से जो इमेज है वो क्लियर नहीं बन पाती। सो उस डिफेक्ट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं या उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम लेंसेज का प्रयोग करते हैं। हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटिंग द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया। नेक्स्ट इज़ हाइपरमेट्रोपिया, मीन्स फार साइटनेस। इसमें क्या है कि हमें पास की चीज़ें नहीं दिखेंगी। इसमें क्या होगा, जो इमेज है वो, जो लाइट है उसके फोकस रेटिना के बिहाइंड बनेगा। तो लाइट फोकस ऑन बिहाइंड द रेटिना, दैट्स वाई द इमेज, द नियर इमेज इज़ नॉट क्लियर। और इस डिफेक्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये डिफेक्ट को हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके ठीक कर सकते हैं। सो अब जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनदर डिफेक्ट इन आईज नोन एज प्रेसबायोपिया। सो प्रेसबायोपिया क्या है? इसमें ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स ड्यू टू एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सिलेरी मसल्स है वो, उसमें वीकनेस आने लग जाती है। तो उसमें क्या है, प्रेसबायोपिया में जो नियर पॉइंट मूव्स अवे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में ग्लूकोमा के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया था कि ग्लूकोमा क्या है। ग्लूकोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं ग्लूकोमा के, जैसे जो हमारी कैनाल ऑफ स्लैम है, अगर वो ब्लॉकेज हो जाती है तो एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज नहीं हो पाता। अगर एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज नहीं होगा सो इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। एंड ग्लूकोमा के केस में क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर ही इंक्रीज होता है। सो दीज आर द वेरियस डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।